हेलो, वेलकम टू अमिताज चोको डिलाइट्स। आज मैं बनाने वाली हूँ कंडेंस मिल्क, इसे मिल्क मेड भी कहा जाता है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा इसका टेक्सचर आया है, क्रीमी टेक्सचर आया है। तो हम लोग ये घर पे भी इजीली बना सकते हैं मिल्क मेड। क्या क्या लगने वाला है इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। 500 ml फुल फैट मिल्क, यहाँ पे मैंने भैंस का दूध यूज किया है, आप गाय का भी यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम शुगर और अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जो मैंने मिल्क लिया था 500 ml का, वो एक बड़े पतीले में लेने वाली हूँ और फुल गैस पे हमें ये चलाते रहना है। तो पहले मैंने इसको गरम करके रखा था, तो आप वैसे मत करिए। जब भी लेके आएंगे दूध, तभी इसको एक उबाल आने के बाद हमें शुगर ऐड करना है। तो थोड़ा समय गरम होने के बाद उसमें शुगर ऐड करूंगी। यहाँ पे 100 ग्राम में शुगर ऐड कर रही हूँ, गैस हमारा फुल रहेगा। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्पैचुला का, तो इससे क्या होगा, जो साइड में दूध लगने वाला है वो इजीली स्क्रैप आउट हो जाएगा। और ये मिल्क को हमें 1/3 तक जितना आएगा तब तक हमें कुक करना है, फुल गैस पे चलाते रहना है। तो जब दूध थोड़ा सा बाहर आता है, मैं गैस थोड़ा कम कर रही हूँ, आप बड़ा पतीला यूज करिए। मुझे यहाँ पे 10 से 12 मिनट लगे हैं ये कंडेंस मिल्क तैयार करने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये कंडेंस मिल्क बहुत मिठाइयों में यूज होता है, बहुत सारी मिठाइयों में यूज होता है। यहाँ पे अभी मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कितना, जो 2 उंगलियों में मेरा जितना बैठेगा पिंच, उतना मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा मिल्क येलो कलर दिखेगा तभी हमें ऐड करना है बेकिंग सोडे को। सोडा ऐड करने के बाद एक दूध में थोड़ा सा ऊपर आएगा, एकदम से बाहर आएगा, तो हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। बेकिंग सोडा से क्या होगा, आपके कंडेंस मिल्क को एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और आपका थिक हो जाएगा वो मिल्क जो है वो। तो ये कंडेंस मिल्क बहुत सारी चीजों में यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है और सबसे ज्यादा यूज होता है वो है एगलेस केक में। तो ये कंडेंस मिल्क मैं यूज करने वाली हूँ आगे के रेसिपी में, जो है आइसक्रीम। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज करने के बाद हमारा कंडेंस मिल्क कितना बनेगा, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसे हमें चलाते रहना है, 10 से 12 मिनट मुझे लगे थे। ज्यादा हमें पकाना नहीं है, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। तो हमें इसे थोड़ा सा पतला रखना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो इसे मैं चलाते रहती हूँ। तो यहाँ पे अभी अपना कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा। इसे सबसे मेन बात है चलाते रहना है, नीचे दूध को जलने नहीं देना है। और ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज करने के बाद हमारा कंडेंस मिल्क बनेगा 200 ml तक बन जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मैंने जब ये वेट किया था तो 220 ml तक मेरा कंडेंस मिल्क हो गया था। तो ये अपना रेडी हो गया है कंडेंस मिल्क। अब ये थोड़ा सा मैं ठंडा होने के बाद, देखो ये ऐसा टेक्सचर आया है,